अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट दैट इज द एरेटेड लगूनस। एरेटेड लगून बेसिकली सेकेंडरी बायोलॉजिकल प्रोसेस में आता है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। इसमें हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देखेंगे दैट हाउ द एरेटेड लगून वर्क्स, हाउ द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड, प्लस इसकी डिज़ाइन प्रोसेस को भी देखेंगे, देन इसकी डिज़ाइन इक्वेशन को भी देखेंगे एंड इन द एंड वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल। अगर एरेटेड लगून की डेफिनेशन की बात की जाए, सो एरेटेड लगून आर बेसिकली लार्ज बेसन्स इन विच सेटल्ड वेस्ट वाटर इज मिक्स्ड एंड एरेटेड। एरेटेड लगून हमारे पास लार्ज बेसन है दैट आर बेसिकली मैन मेड, जिसमें जो सेटल्ड वेस्ट वाटर है वो मिक्सअप किया जाता है, प्लस एरेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू दी वेरियस एरेटर्स। दी ट्रीटमेंट अकर्स बाय एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। एरेटेड लगून बेसिकली सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस की एग्जांपल है, प्लस एरोबिक इसमें कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, मींस इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी और इसमें जो बैक्टीरिया है वो सस्पेंशन में रहेंगे, दैट विल बी रिमेन इन दी सस्पेंडेड फॉर्म। बेसिकली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड एरेटेड लगूनस आर द एग्जांपल ऑफ द एरोबिक एंड द सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। सो एरेटेड लगून में बेसिकली क्या होता है कि एरेशन प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू मीट दी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स एंड कीप दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सस्पेंशन, के आपके पास जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है वो की जाती है थ्रू दी हेल्प ऑफ दी एरेटर्स। एरेटर्स आर दोज मशीनरीज विच प्रोवाइड दी ऑक्सीजन सो दैट दी प्रोसेस कैन बी कॉन्टिन्यू और दी एरोबिक कंडीशंस must be maintained in the system. So through the aeration the microorganisms remain in the suspension. Aeration के through जब oxygen provide की जाती है तो उससे जितने भी system में microorganisms हैं tank के अंदर या reactor के अंदर वो suspension में रहते हैं। So the microorganism present in the aerated lagoon utilize the organic matter that is available. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिटेल में देखा था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो एंड देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया विल बेसिकली यूटिलाइज और ऑक्सीडाइज दी ऑर्गेनिक मैटर इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोलिक्यूल। वन पार्ट इज बेसिकली ऑक्सीडाइज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलिक्यूल्स एंड दी सेकेंड पार्ट इज बींग सिंथिसाइज इंटू दी न्यू सेल्स और न्यू बायोमास। अगर इसके फ्लो डायग्राम को मैं देखूँ, सो फ्लो डायग्राम आप लोगों को स्लाइड में रिप्रेजेंट की गई है, जिसमें हमारे पास बेसिक हायरार्की है। दी फर्स्ट वन इज़ दी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। बिफोर दी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक देर विल बी बार रैक्स और दी ग्रिड चैम्बर। देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें आपके पास एक इन्फ्लुएंट स्ट्रीम आ रही है, देन हमारे पास एरेटेड लगून है एंड आफ्टरवर्ड वी हैव दी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखो दैट इज सिमिलर लाइक दी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और एरेटेड लगून की फ्लो डायग्राम सिमिलर है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपके पास एक रिटर्न स्लज की भी स्ट्रीम थी जो कि सेकेंडरी क्लेरिफायर से रिटर्न बैक होके टूवर्ड्स दी एरेशन टैंक जा रही थी, बट देयर इज़ नो रिटर्न स्लज
इन दी एरेटेड लगून. सो एरेटेड लगून का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आपके पास एरेटेड लगून में कोई भी रिटर्न स्लज नहीं होता. एरेटेड लगून इज़ अ सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट. दी एरेटेड लगून वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज अर्थन लगून और अ बेसन दैट इज इक्विप्ड विद दी मैकेनिकल एरेटर्स टू मेंटेन दी एरोबिक एनवायरनमेंट. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि आपके पास जितना भी वेस्ट वाटर है वो आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा है विद दी हेल्प ऑफ दी एरेटर. नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरेटेड लगून में लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू दी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्लज रिसाइकल नहीं हो रहा, इसीलिए आपके पास जो एरेटेड लगूनस हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंसंट्रेशन लोअर होगी एज कम्पेयर टू दी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. देयरफॉर वी नीड अ सिग्निफिकेंट लॉन्गर रेजिडेंस टाइम टू अचीव दी सेम एफ्लुएंट क्वालिटी. इसीलिए एरेटेड लगून का जो रेजिडेंस टाइम है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू दी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. ऑल्सो दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दी एरेटेड लगून आर मोर रेजिस्टेंस टू प्रोसेस अपसेट्स caused by feed variation than those in the activated sludge process because of the larger tank volume and longer residence time used. ठीक है, normally जो major difference है between the activated sludge process and aerated lagoon that is of the later settling and the sludge recirculation arrangements are absent. दोनों में जो major difference है वो आपके पास longer settling time का है प्लस जो स्लज री सर्कुलेशन अरेंजमेंट है उसका है. एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में देयर इज़ प्रॉपर री सर्कुलेशन अरेंजमेंट वाइल इन एरेटेड लगून दिस अरेंजमेंट इज एब्सेंट. सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज एंड अ पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू द न्यू बायोमास. द बायोमास इज सेपरेटेड इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक but now there is no recycle of the sludge in case of the aerated lagoon as described in the previous slide. The biomass concentration is low and thus they have higher detention times and larger volumes. Normally the detention time is from 3 to 6 days with the varying depth from 3 to 6 meter. जो हम लोग डिफरेंट एरेटर्स यूज़ करते हैं वो आपके पास डिफ्यूज एरेटर भी हो सकते हैं, मींस दे आर लोकेटेड और इंस्टॉल्ड अंडर द बॉटम, और वी मे हैव द मैकेनिकल एरेटर्स और द सरफेस एरेटर. सो द एरेटिंग कैपेसिटी मे बी कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स और मिक्सिंग रिक्वायरमेंट. फॉर कंप्लीट मिक्सिंग द एरेटर्स शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एरिया कैन बी डिवाइडेड इंटू द स्केयर एंड वन एरेटर कैन बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ ईच स्केयर. जो मैक्सिमम आपके पास मिक्सिंग रिक्वायरमेंट है दैट इज 15 to 30 किलोवाट पर 1000 मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्रो. दिस इज अगेन द प्रोसेस डायग्राम ऑफ द एरेटेड लगून जिसमें आपको मास बैलेंस रिप्रेजेंट किया गया है. क्यू इज बेसिकली द फ्लो ऑफ द वेस्ट वाटर, एक्स नॉट इज द मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड एंड एस नॉट इज द बी ओ डी इन्फ्लुएंट बी ओ डी. अब इसमें आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें हाउ एक्चुअली दी एरेटेड लगून लुक्स लाइक एंड हाउ दी एरेटर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन दी सरफेस इसको दिखाया जाएगा. सो लेट्स वॉच दी वीडियो. सो दीज आर बेसिकली दी सरफेस एरेटर जो कि आपको नज़र आ रहे हैं. ये आपके पास सरफेस एरेटर्स हैं और मैकेनिकल एरेटर्स हैं जो कि एरेटेड लगून में इंस्टॉल किए गए हैं. दिस इज बेसिकली अर्थन लाइक स्ट्रक्चर, अ बेसन
जिसमें वेस्ट वाटर ट्रीट होगा। दिस इज़ अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द सर्फेस एरेटर एंड आप लोग देख रहे हो कि इक्वली इसको डिवाइड किया गया है इक्वल डिस्टेंस पे। सो आई होप कि अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से आपके सरफेस एरेटर्स की अरेंजमेंट होती है इन दी लगूंस। हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर दी रेटेड लगून डिफरेंट कंसिड्रेशन है। डिटेंशन टाइम इसमें नॉर्मली 4 to 7 days होता है। डेप्थ हमारे पास 3 to 5 meter है एंड रफली पावर इनपुट रिक्वायरमेंट 20 W/m³ ऑफ दी लगून वॉल्यूम है। सो देयर इज़ अ फ्लुएंट क्वालिटी दैट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग दी गिवन फार्मूला। जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडाइजेशन होती है ऑक्सीडेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। दैट इज़ एस डिवाइडेड बाई एस नॉट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई 1 + K इंटू टी इंटू डी। यहाँ पे मे बी एल से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एल डिवाइडेड बाई एल नॉट सी डिवाइडेड बाई सी नॉट दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे जो एस है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लुएंट BOD को, एस नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनफ्लुएंट BOD को, K रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कोफिशेंट डिके रेट, ठीक है, TD टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओवरऑल आपके पास जो K की वैल्यू है वो होती है 0.5 to 1.5 per day एंड दैट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे जो आसान BOD होती है टू ऑक्सीडाइज दैट इज़ द सोलेबल BOD। और सोलेबल BOD नॉर्मली आपकी जो फूड इंडस्ट्री है या जो आपकी डेयरी इंडस्ट्री है उसमें बहुत हायर अमाउंट में होती है। सो एरेटेड लगूनस आर नॉर्मली यूज फॉर दी सोलेबल इंडस्ट्री प्रोसेसेस। नाउ देयर इज़ अ डिज़ाइन एग्जांपल। कैलकुलेट दी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया एंड एफ्लुएंट BOD ऑफ अ फ्लो थ्रू एरेटेड लगून टू ट्रीट अ वेस्ट वाटर फ्लो ऑफ 3,800 m³/day। अज्यूम दी फॉलोइंग कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स अप्लाइड। इनफ्लुएंट BOD इज इक्वल टू 200 mg/l। जो BOD रेट कॉन्स्टेंट है और डिके कॉन्स्टेंट है K फॉर दी सोलेबल BOD इज 2.5 per day एट दी रेट ऑफ दी 20 degrees Celsius एंड थीटा इज गिवन दैट इज 1.06। सॉलिड रिटेंशन टाइम इज 5 days एंड लगून डेप्थ इज 3.3 meter। वाटर टेम्परेचर इन समर एंड विंटर इज 22 degrees Celsius एंड 16 degrees Celsius रिस्पेक्टिवली। सो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर डिफरेंट है। सो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर करेक्शन भी अप्लाई करेंगे। सो कमिंग टूवर्ड्स दी सोल्यूशन, सॉलिड रिटेंशन टाइम हमें गिवन है 5 days। वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ दैट इज़ क्यू इंटू टी। सो क्यू यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज़ दी वेस्ट वाटर फ्लो एंड टी भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ दी सॉलिड रिटेंशन टाइम। सो मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को करेंगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर दी वॉल्यूम वी आपके पास 19,000 m³ आ जाएगा। देन यहाँ से हम लोग सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई डेप्थ। आपके पास सरफेस एरिया आएगा 5,787 m². अब हम लोगों ने यहाँ पे एफ्लुएंट BOD फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करूँगी फॉर दी समर एंड फॉर दी विंटर। सो फॉर दी समर टेम्परेचर गिवन है 22, ठीक है, और यहाँ पे के 20 की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 2.5 और थीटा की वैल्यू भी गिवन है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर समर के लिए है 22 - 20। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.8 per day। सिमिलरली जब आप लोग विंटर के लिए इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.98 per day, ठीक है। देन हम लोगों ने अगेन अब एफ्लुएंट BOD फाइंड आउट करनी है फॉर दी समर एंड फॉर दी विंटर। सो आफ्टर अप्लाइंग दी टेम्परेचर करेक्शन आई विल अप्लाई दी एफ्लुएंट क्वालिटी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन दैट वाज एस डिवाइडेड बाय एस नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 + K इनटू डी।
अब यहाँ पे जो आप के यूज़ करोगे दैट विल बी टेम्परेचर फॉर दी समर, ठीक है, जो आपके पास 22 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग आया है। सो फॉर एस जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फॉर दी एफ्लुएंट बीओडी जब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे, आपके पास एफ्लुएंट बीओडी आएगी 13.3 मिलीग्राम पर लीटर। एंड फॉर दी विंटर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे फॉर दी टेम्परेचर 16 डिग्री, तो आपके पास एफ्लुएंट बीओडी आएगी 18.3 मिलीग्राम पर लीटर। The next topic is the trickling filters, that is again the part of the secondary wastewater treatment unit, or we can say that it is again the part of the biological treatment. So trickling filter basically किस तरीके से काम करते हैं, इनकी process description क्या है, एंड वट इज़ द डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर दी ट्रिकलिंग फिल्टर, प्लस इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो कमिंग टू वर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर, कि ट्रिकलिंग फिल्टर बेसिकली आपके पास किस तरीके से काम करता है। सो ट्रिकलिंग फिल्टर इज एन एरोबिक अटैच ग्रोथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट। It consists of a bed of highly permeable media on which the microorganisms grow and through wastewater is percolated or trickled. Trickling filter basically हमारे पास attach growth process की example है। Previous lecture में हम लोगों ने different classification को discuss किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर secondary या biological treatment है तो उसमें दो किस्म के processes हो रहे होते हैं। The first one is the attach growth process and the second one is the suspended growth process. So suspended growth process में क्या होता है कि जो microorganisms होते हैं वो आपके पास एक सस्पेंशन फॉर्म में रहते हैं, जबकि जो दूसरा प्रोसेस है अटैच ग्रोथ प्रोसेस, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी मीडिया के साथ अटैच होके वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं। सो ट्रिकलिंग फिल्टर इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द अटैच ग्रोथ प्रोसेस। ट्रिकलिंग फिल्टर में बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं थ्रू दी फिल्टर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाईली परमिएबल मीडिया जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, और फिर वेस्ट वाटर ट्रिकल किया जाता है और परकुलेट होता है टूवर्ड्स दिस मीडिया, एज यू कैन सी फ्रॉम दी डायग्राम। ठीक है, नॉर्मली जो ट्रिकलिंग फिल्टर है दे आर यूज टू रिमूव दी ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम दी वेस्ट वाटर। ट्रिकलिंग फिल्टर हमारे पास एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम है जो कि यूटिलाइज करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर अटैच टू दी मीडिया टू रिमूव दी ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम दी वेस्ट वाटर। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम इज कॉमन टू अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज सच एज रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टेक्टर्स एंड पैक्ड बेड रिएक्टर्स। ये सिस्टम आपके पास रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टेक्टर्स में भी यूज़ होता है और पैक बैग रिएक्टर में भी यूज़ होता है। दिस सिस्टम इज़ कॉमनली नोन एज द अटैच ग्रोथ प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर में कौन कौन से मीडिया यूज़ हो सकते हैं। सो द फिल्टर्स आर यूजली सर्कुलर इन शेप। द फिल्टर मीडिया यूजली कंसिस्ट ऑफ द रॉक वेरिंग इन साइज फ्रॉम 25 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर एंड दी सिंथेटिक मीडिया इन दी पोरस शेप। ट्रिकलिंग फिल्टर आपके पास नॉर्मली सर्कुलर होते हैं और इसमें डिफरेंट किस्म के फिल्टर मीडिया यूज़ हो सकते हैं। हमारे पास रॉक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, सिंथेटिक मीडिया भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द प्लास्टिक। देन दिस रॉक मीडिया फिल्टर्स नॉर्मली डायमीटर इज अप टू 60 मीटर एंड डेप्थ फ्रॉम 0.9 मीटर टू 2.4 मीटर इन डेप्थ। सिंथेटिक मीडिया दैट इज ऑफ प्लास्टिक मीडिया आर 6 to 12 मीटर इन डायमीटर एंड 4 to 12 मीटर इन डेप्थ। दी वेस्ट वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी टॉप ऑफ दी बेड बाई रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये काम किस तरीके से करता है कि एक हमारे पास रोटेटरिंग आर्म होती है और उसके थ्रू जो वेस्ट वाटर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देन दिस रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आर्म्स दैट आर
माउंटेड ऑन अ पिवट इन द सेंटर ऑफ द फिल्टर एंड रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देन ये जो आपके पास रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर है ये सर्कुलेटरी मोशन में मूव करता है और इसकी एक या दो आर्म्स हैं, नॉर्मली दो से ज़्यादा आर्म्स भी हो सकती हैं जिसके थ्रू वेस्ट वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। देन द आर्म्स आर होलो एंड कंटेन नोजल्स थ्रू विच द वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज ओवर द फिल्टर बेड। नॉर्मली जो आपके पास ये रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म है ये होल होती हैं और इनमें नोजल्स होती हैं जिसके थ्रू वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करवाया जाता है। सो दिस इज़ द डायग्राम और द ट्रिकलिंग फिल्टर प्लांट लेआउट, जिसमें आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों के पास सबसे पहले ये प्रिलिमिनरी यूनिट्स हैं, देन हमारे पास प्राइमरी यूनिट है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी यूनिट है एंड ट्रिकलिंग फिल्टर में भी हम लोग रीसर्कुलेशन करवाते हैं। दिस इज़ बेसिकली द साइड सेक्शन ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसमें आप लोगों को मीडिया भी नज़र आ रहा है एंड देयर इज़ प्रॉपर अंडर ड्रेन सिस्टम ऑल्सो। दिस इज़ अगेन द डायग्राम ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर। दिस इज़ बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म एंड दीज आर दी नोजल्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। दिस इज़ द मीडिया, रॉक मीडिया, जिसमें आप ये वेस्ट वाटर इन नोजल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इवनली। दिस इज़ अगेन द फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर शोइंग दैट द वाटर इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मीडिया। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगी दैट शोज दैट हाउ द ट्रिकलिंग फिल्टर प्रॉपरली परफॉर्म द फंक्शंस। सो लेट्स सी द वीडियो। रिएक्टर्स विद इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स व्हिच आर यूज्ड टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर एंड और अमोनिया फ्रॉम वेस्ट वाटर। कंपेयर्ड टू द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर नॉट सस्पेंडेड इन द मिक्स्ड लिक्वर, but they are attached to a fixed bed surface. Nowadays, the fixed bed surface is usually provided by structured plastic fill media, but in the past, rock, gravel, and hardwood was also used. Waste water from primary clarifiers is continuously trickled over the first layer of plastic fill media using a rotary distributor. While wastewater is traveling down to the bottom of the trickling filter, a cross corrugated pattern within the plastic fill media ensures a good water-air mixing. Trickling filters are operating under aerobic conditions, but mostly without the use of forced ventilation or aeration. Instead, the tower shape of trickling filters causes that air is sucked inside the tower over slots at the trickling filter bottom. This effect is also called chimney effect, and results from air buoyancy, which occurs due to a difference in indoor to outdoor air density, resulting from temperature and moisture differences. For the design of trickling filters, three components are very important: the support structure, plastic fill media layers, and the rotary distributor. The support structure has to withstand high vertical loadings of up to 50 kilograms per cubic meter, 3 pounds per cubic feet of plastic film media, plus up to 250 kilograms per cubic meter, 15 pounds per cubic foot for attached sludge and water inside the film media packs. At the same time, the supporting structure must leave enough space for sludge collection and removal and to avoid blockage of plastic film media channels. Therefore, the support structure typically consists of PVC stanchions, FRP grating, and slope corrector plates to adjust for bottom slope. So this is basically how the trickling filter works out. Then, based on the number of the stages, हम लोगों के पास trickling filter दो types के हैं. The first one is the single stage, and the second one is the double stage. So single stage की फ्लो डायग्राम आपको स्लाइड में रिप्रेजेंट की गई है और आप लोग देख रहे हो हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, देन वी हैव दी ट्रिकलिंग फिल्टर, देन वी हैव दी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और दी सेकेंडरी क्लेरिफायर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आपके पास ये जो स्लज है दैट इज़ रिटर्न बैक टूवर्ड्स दी ट्रिकलिंग फिल्टर। देयर आर मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस रीसर्कुलेशन। नॉर्मली इट अलाउज कंटेन्स
dosage regardless of fluctuating in sewage flow and thus keep the bed working. जो ये recirculation है ये ensure करती है कि इसमें properly dose provide की जाएगी towards the trickling filter regardless of all the fluctuations in the sewage flow. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका trickling filter का bed है that keeps in working. देन जो इसका दूसरा एडवांटेज है दैट इज इट डाइल्यूट्स द इन्फ्लुएंट विद बेटर क्वालिटी वाटर एंड दिस मेकिंग इट फ्रेश एंड रिड्यूसेस ऑडर. अब सिंस यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, सो देर इज़ अ चांस कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. सो जब हम यहाँ से स्लज को रिसर्कुलेट करवाते हैं तो ये क्या करता है कि जो आपके पास इन्फ्लुएंट है इसको फर्दर डाइल्यूट करता है, जिससे क्या होता है कि ये फ्रेश रहता है और इसमें ऑडर या स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती. दी थर्ड एडवांटेज इज दैट इट मेंटेन्स अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोलिक लोडिंग. देन द फोर्थ एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स लॉन्गर कॉन्टैक्ट ऑफ द अप्लाइड सीवेज विद द बैक्टीरियल फिल्म ऑन द कॉन्टैक्ट मीडिया एंड एक्सेलरेटिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस. के ये आप आपके पास जो बैक्टीरियल फिल्म है यहाँ पे मीडिया के साथ जो अटैच है इसको लॉन्गर टाइम प्रोवाइड करता है, कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है विद द सीवेज. ठीक है, एक यहाँ से इन्फ्लुएंट आ रहा है और दोबारा से ये यहाँ से रिसर्कुलेशन हो रही है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा. द लास्ट एडवांटेज इज दैट इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द बीओडी लोड जर्नली. देन वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर विच इज़ टू स्टेज. इसमें आप लोग देख रहे हो कि आपके पास दो ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ किए गए हैं. ठीक है, एंड द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, देन वी हैव द ट्रिकलिंग फिल्टर, देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, देन वी हैव ट्रिकलिंग फिल्टर, देन अगेन वी हैव द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ट्रिकलिंग फिल्टर काम किस तरीके से करता है. So here is the diagram which is showing the media and this is the cross section. इसमें आप लोग देख रहे हो कि आपके पास normally दो layers बनती हैं. The first one is the anaerobic zone and the second one is the aerobic zone. Anaerobic means without the oxygen and aerobic zone in the presence of oxygen. So जो trickling filter है that enable organic material in the wastewater to be absorbed by population of microorganisms. ठीक है, और ये microorganisms different हो सकते हैं, aerobic हो सकते हैं, anaerobic हो सकते हैं, facultative हो सकते हैं. ठीक है, that are attached to the media as the biological film. ठीक है, अब हो क्या रहा होता है कि as the wastewater flows over this media microorganisms already in the water gradually attach themselves to the rock or plastic surface and form a film. The organic material is then degraded by the aerobic microorganisms in the outer part of the slime layer. We will see that how this actually work. सबसे पहले वेस्ट वाटर अप्लाई किया जाता है सरफेस के ऊपर, दैट परकुलेट्स थ्रू द फिल्टर मीडिया. ठीक है, एंड द न्यूट्रिएंट्स जो आपके पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं एंड ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर आर ट्रांसफर टू द फिक्स वेस्ट वाटर लेयर. आपके पास दो किस्म की लेयर हैं, द फर्स्ट वन इज़ द मूविंग वेस्ट वाटर लेयर, द सेकेंड वन इज़ द फिक्स वेस्ट वाटर लेयर. देन आपके पास डिफरेंट जोन है. सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मैटर हैं ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टूवर्ड्स द फिक्स्ड वेस्ट वाटर लेयर एंड फ्रॉम देयर टू द बैक्टीरिया. और यहाँ इस लेयर के बाद ये वेस्ट वाटर से जितने भी न्यूट्रिएंट है वो फिक्स लेयर की तरफ ट्रांसफर हुए, देन यहाँ से आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक्स हैं वो बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफर हुए. सो वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर टू द मूविंग वेस्ट वाटर लेयर प्राइमरीली बाय डिफ्यूजन. और अब यहाँ से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके पास अगेन मूविंग वेस्ट वाटर लेयर की तरफ ट्रांसफर होते हैं. Then as the bacteria on the filter medium metabolize the waste, they will reproduce gradually producing an increase in the depth of the slime layer. अब slime layer basically आपके पास यहाँ पर produce हो रही होती है. ठीक है, with the thickening of the slime layer the inner साइड बिकम anaerobic. ये इनर साइड आपकी anaerobic बन जाएगी एंड बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग.
breaking the contact between the slime layer and the contact media. The slime layer will slough off and will be carried out from the filter media with the wastewater flow. These solids are then removed in the secondary clarifier. यहाँ पे anaerobic zone basically thickening of the slime layer की वजह से बनता है, ठीक है, and with the time जैसे ही इस लेयर की स्लाइम लेयर की थिकनेस इंक्रीज करती है तो आपके पास जो इसका कॉन्टैक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और फिल्टर मीडिया का वो रिड्यूस होता जाता है, ठीक है, और फिर इस स्लाइम लेयर को हम लोग स्लफ ऑफ कर देते हैं, मींस रिमूव कर देते हैं, और जिससे आपके पास ये जो सॉलिड्स हैं ये सेकेंडरी क्लेरिफायर में रिमूव हो जाते हैं. सो दी रिमूवल प्रोसेस इज दैट दी वेस्ट वाटर अप्लाइड ओवर द टॉप ऑफ द फिल्टर मीडिया परकुलेट्स through the bed. The organic matter present in the wastewater is utilized by population of microorganisms attached to the filter media. A part of the organic matter is oxidized and a part is synthesized into the new biomass. That is basically the principle of the biological treatment. Then the layer of the microorganism attached to the filter media is called the biological film slime layer, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है. As the microorganism continue to grow, the thickness of the slime layer increases. The diffused oxygen is consumed before it can penetrate the full depth of the slime layer. Thus, an anaerobic environment is established near the surface of the media. As the slime layer increases the thickness, the organic matter is utilized before it can reach to the microorganism near the media surface. So, this is how the trickling filter works. So, thus, the organic matter or oxygen may not be available to the microorganism near the media surface and start to decay and lose their ability to keep attached to the media surface. The wastewater flow then washes the slime layer off the media and a new layer starts to grow. This phenomenon of losing the slime layer is called the sloughing. जैसे ही आपके पास स्लाइम लेयर स्लफ ऑफ होती है तो विद टाइम आपके पास जो न्यू मीडिया आपके पास लेयर है वो भी ग्रो करना स्टार्ट करती है, ठीक है. So the treated wastewater is collected in the under drainage system of the filter. The collected wastewater is discharged to the sedimentation tank where the solids are separated from the treated wastewater. In practice, a portion of the wastewater collected in the under drainage system or settled effluent is recycled through the bed. And मैंने आप लोगों को इसकी रीज़न भी बता दी है कि recirculation के क्या क्या advantages हैं. So the main purpose of the effluent recycle is dilution of the effluent wastewater, maintenance of a more uniform hydraulic and organic loading, and to reduce the odor and fly problem. Then based on the हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो फिल्टर आपके पास हैं ट्रिकलिंग फिल्टर उनको चार क्लासेस में डिफाइन किया गया है, ठीक है. ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बेसिकली क्या होता है, दैट इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द सोलेबल एंड पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एन एरिया एज पाउंड्स ऑफ द बीओडी पर यूनिट एरिया. मीन्स इसके यूनिट होते हैं बीओडी पर यूनिट एरिया पर डे, ठीक है. और जो आपके पास हाइड्रोलिक लोडिंग है दैट जो आपके पास बेसिकली हाइड्रोलिक लोडिंग है दैट इज़ डिफाइंड इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस यूनिट एज द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट वाटर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द प्रोसेस यूनिट पर टाइम पीरियड. इसको नॉर्मली हम लोग वॉल्यूम पर यूनिट स्केयर एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो नॉर्मली कि जो आपके पास हाइड्रोलिक लोडिंग डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है ना, दिस वन, ये नॉर्मली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज द मैक्सिमम डेज टू ऑप्टिमाइज वाटर क्लैरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्चुअल स्केयर फीट सरफेस एरिया पर इनकमिंग फ्लो रेट, ठीक है, कि आपके पास जितना भी जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है इसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो आपके पास हाइड्रोलिक लोडिंग रेट आ रहा होता है. सो इट एक्चुअली ट्रांसलेट दी हाइड्रोलिक रेट, ठीक है. सो आपके पास चार किस्म के फिल्टर क्लासिफिकेशन हो सकती हैं. दी फर्स्ट वन इज़ दी लो रेट, इंटरमीडिएट रेट, हाई रेट एंड दी सुपर रेट. और हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग, हर एक लोडिंग रेट के अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया गिवन है जो कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है. देन देर आर डिफरेंट इक्वेशंस. द फर्स्ट वन इज़ द लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. सो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑलरेडी वी नो दैट
that is the discharge divided by area. Then we have the organic loading rate, that is the total organic load in terms of the BOD divided by the volume. उसके बाद ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इज़ बेसिकली फ्लो इनटू बीओडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. देन वी हैव द डिफरेंट इक्वेशंस टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी और टू फाइंड आउट द बीओडी. ठीक है, दिस इज़ द एनआरसी फार्मूला फॉर द रॉक मीडिया. ई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.4432 अंडर रूट डब्ल्यू divided by V into F, where W is the BOD load. और BOD load क्या आपके पास आएगा, that is flow into the influent BOD. Then capital V is the filter volume, capital F is the recirculation factor, और इसके लिए भी formula given है. Capital R is the recirculation ratio, और recirculation ratio आपके पास होती है QR divided by Q recirculated waste वाटर फ्लो डिवाइडेड बाई वेस्ट वाटर फ्लो. ठीक है, और ये इक्वेशन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब आपके पास एस आई यूनिट होंगे. देन वी हैव दी जर्मन इक्वेशन फॉर दी प्लास्टिक पैकिंग. फार्मूला आपको स्लाइड में गिवन है, दैट इज़ एस डिवाइडेड बाई एस नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू एन. ठीक है, दिस इज़ दी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल. डिटर्मिन दी फिल्टर डायमीटर फॉर अ हाई रेट फिल्टर यूजिंग दी नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC फार्मूला फॉर अ सीवेज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. पॉपुलेशन सर्व इज इक्वल टू 5000, एवरेज डेली सीवेज फ्लो इज इक्वल टू 340 लीटर पर कैपिटा, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इज 80%, रिसर्कुलेशन रेशो इज 4:1, एंड इन्फ्लुएंट बीओडी ऑफ दी वेस्ट इज 150 मिलीग्राम पर लीटर. सो आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे बाय यूजिंग डिफरेंट इक्वेशंस एंड द डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर दी ट्रिकलिंग फिल्टर्स. आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं तक था. आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा. फिर जो आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस होंगे इसको ऑनलाइन क्लास में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.